तो भाई लोग आज के दिन बॉलीवुड की तरफ से बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स की अपकमिंग मूवीज को अनाउंस किया है और बहुत सारे ट्रेलर्स भी देखने को मिले। तो मैं इस वीडियो में वो सारे टॉपिक्स को आज कवर करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो भाई सबसे पहले जो अनाउंसमेंट हुई है वो है कार्तिक आर्यन की तरफ से उनकी अपकमिंग मूवी को लेकर, जो कि है आशिकी 3। तो भाई आशिकी फ्रेंचाइज की ये थर्ड फिल्म होने वाली है, जिसकी पहली फिल्म 1990 में आई थी और सेकंड 2013 में। तो ऑलमोस्ट 1 डिकेड के बाद इसके थर्ड पार्ट को अनाउंस किया है और मुझे भी लगता है कि कार्तिक आर्यन इसके लिए बेस्ट चॉइस है। तो आज इसकी सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है, मगर ये मूवी हमें कब तक देखने को मिलेगी वो अब तक कुछ पता नहीं है। मे बी नेक्स्ट ईयर हमें ये फिल्म देखने को मिले। और जो सेकेंड है वो है तमन्ना भाटिया की तरफ से, तमन्ना भाटिया की न्यू मूवी उनका ट्रेलर आज आया है। तो तमन्ना भाटिया की न्यू मूवी है जिसका टाइटल है बबली बाउंसर। तो बेसिकली इस फिल्म में हमें तमन्ना एक बाउंसर के रोल में देखने को मिलने वाली है और इसके लिए उन्होंने अच्छी खासी बॉडी भी बनाई है। और ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर भी ठीक ठाक ही था, जो कॉमेडी वो हमें दिखाने का कोशिश कर रहे हैं उसमें इतनी हंसी नहीं आती, मगर फिर भी एक मूवी कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आई है, तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि मूवी कैसी होती है। तो ये मूवी हमें 23 सितंबर को देखने को मिलेंगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो जो नेक्स्ट है वो है हिंदुत्व मूवी, जिसके राइटर और डायरेक्टर है करण रजदान और इसमें हमें आशीष शर्मा, सोनारिका भंडारिया और अंकित राज लीड रोल में देखने को मिलने वाले हैं। और ये हमारे हिंदू धर्म पर मूवी होने वाली है जिसमें एक मॉडर्न डे वाला एंगल भी होगा। इस मूवी की तरफ से हमें इसका मोशन पोस्टर आज देखने को मिला और वो देखने में सच में बहुत ही बढ़िया लग रहा था। ये एक नया कॉन्सेप्ट होने वाला है और मैं ये फिल्म देखने के लिए सच में एक्साइटेड हूँ। तो ये फिल्म हमें नेक्स्ट मंथ देखने को मिलेगी थिएटर्स में, यानी कि अक्टूबर 7 को। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारे सनी पाची की अपकमिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी, जिनमें हमें सनी देओल के साथ साथ दुलकर सलमान, पूजा भट्ट और श्रेया धन्वंतरी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। और ये मूवी गुरुदत्त की लाइफ पर बेस्ड होने वाली है ऐसा बताया जा रहा है। और इसी मूवी का हमें आज इसका ऑफिशियल ट्रेलर भी देखने को मिला और वो सच में एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस करवा रहा है। और ये मूवी बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकती है बॉलीवुड के लिए, मुझे ऐसा लगता है, और मैं इस मूवी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये फिल्म हमें इसी मंथ में 23 सितंबर को देखने को मिलेगी थिएटर्स में। और जो फाइनल चीज़ है वो आती है हमारे अपने भाईजान की तरफ से, यानी कि हमारे सलमान खान की तरफ से। तो सलमान खान की इस साल में एक मूवी आने वाली है जिसका टाइटल की अपनी ही अलग हिस्ट्री रही है, जिसका पहले नाम था कभी ईद कभी दिवाली, फिर उसको चेंज कर भाईजान ये कर दिया, बट फाइनली अब इसका ऑफिशियल नाम अनाउंस किया है जो कि है किसी का भाई किसी की जान। तो उसका टाइटल अनाउंसमेंट हुआ है आज और उसमें हमें सलमान खान का नया लुक भी देखने को मिल रहा है और सलमान खान का लुक बहुत ही कातिलाना लग रहा है इस वीडियो में। और ये फिल्म हमें 13 दिसंबर को रिलीज होते हुए देखने को मिलेगी थिएटर्स में। तो आप बताइए आप किस फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।